सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, ये एल्बम मोदी जी के नाम पे डेडिकेटेड, मोदी जी को एज एन इंडिविजुअल, एज एन मनुष्य कैसे लगे? मोदी जी अगर देखा जाए बतौर इंसान, एक मतलब अगर कहा जाए आज के हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन आप बोल सकते हैं कि उनके नक्शे कदम पर आज के युवा लोग चल रहे हैं और बड़े लोग भी उनको काफ़ी सराह रहे हैं। तो आज के डेट में हर एक इंसान का आइडल बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री बने बहुत ही खुशी की बात है और सबको उस चीज़ पर गर्व भी है। तो इस एल्बम में काम करने का मौका आपको कैसे मिला? इस एल्बम में काम करने का मौका मुझे खासकर दिया रॉबी बादल जी ने, रॉबी सर ने, मधुश्री जी ने, क्योंकि एक रियलिटी शो के ज़रिए मैं मिला था मधु जी से, तो उन्होंने मेरे को खास करके फ़ोन करके बुलाया, ये गीत सुनाया कि एक डेडिकेशन है मोदी जी को और देश को कि ये सॉन्ग, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को क्योंकि इस गाने का एक हिस्सा मैं हूँ, इस गाने में भी मैंने भी गाया है, तो आई एम क्वाइट लकी। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद करते हैं एल्बम से, लोगों को कितनी पसंद आएगी एल्बम और क्यों पसंद आएगी ये एल्बम? जितना जाएगा लोगों में उतना लोग पसंद करेंगे, बिकॉज़ क्या है कि गाने के बोल ही ऐसे हैं, हैदर नजमी साहब ने जो राइटर हैं इस गीत के, उन्होंने लिरिक्स कुछ इस तरह से लिखे हैं कि देश जागा है, देश जागा है, खुशबू उड़ी महकी फिजा, हर कली ने ये गीत गाया देश जागा है, इस तरह के लिरिक्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और कॉम्पोजिशन जैसे कि रॉबी और मधु जी ने कंपोज किया है पूरा सॉन्ग, तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ फ्लॉप, इट्स अ वेरी बिग हिट, और जितना लोगों में जाएगा उतना ही लोग उसको सुनना पसंद करेंगे।